हमार बड़ भैया जब हुआ तो शुरुआत हमारे बड़ भैया से ही हुई और बड़ भैया जैसे रास्ता देखा यहाँ वैसे ही हमन आगे बढ़ल जाये। भैया थोड़ा दू लाइन आपके ओर से हो जाए तो भैया हो जौन चुनाव में वो गर्दा उड़ल रहे जौन सच कह रहे हम इसे कबो न रखल कबो न रखल यूपी में सब यूपी में सब खाली तबला दा तबला दा देखो बेटा जो कबो न रहल तू कता 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 ज्यादा ज्यादा चाटी मत मारो यूपी का समझाओ अपने भाषा में समझावा आप एकदम सही समझाओ दुआ जे कबो न रहल तू अब्बा यूपी में सब कता तुम तुम कता यूपी में सपा कि भैया हो जहां मोदी योगी जी राम राज्य बबो क्यों सोचने ना रहे कि माई बहन खातिर शौचालय गरीब खातिर मकान किसान के खाता में 6,000 रुपया विश्वकर्मा योजना से कुल मजदूर लोगन के पैसा बिटिया लोगन के ब्याह खातिर पैसा आज पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के जन ऊंचाई पे लेके चल गई ना जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कि आज विश्व में सबसे बड़ नेता हमारे मोदी जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली जे बाबो नारा कल अब्बा यूपी में सबका यूपी पे सप्पा कहेंगे भैया हो योगी के सरकार बा विकास के बहार बा सड़कन के जाल बा काम पे मिसाल बा के कबो न रहल तू अब्बा यूपी में सप्पा यूपी में सप्पा काम पे मिसाल बा बहुत बढ़िया वाह आ गए बेटा सुर में आ गए अभी और पगलाऊंगा काम पे मिसाल बा वाह भैया हो अपराधी के जेल बा यूपी में सब बा बिजली रेल रेल बा कोरोना गईल हार बा हो क्यों सोचले ना रहे पूरा दुनिया के लगा कि भारत आधा खत्म हो जाए कोरोना में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अपन खुद का वैक्सीन बना के पूरा देश के बचा लेना आज ही देश चंद्रयान तक चल गई और 2 महीना में सूरज पर एलवन गई बा कि सूर्य देवता पे कहा होता वो बताइया दिनेश बहु बढ़िया आपके माननीय सांसद बदौले रहना कि हनुमान चालीसा में रहे ये सूर्य का दूरी का हुई बा सनातन धर्म बा वैदिक मंत्र जहाँ वैदिक से पता रहे कि चंद्रमा के दूरी का हुई जो इसरो कहल जाना सोमनाथन जी वो कहना कि हम वैदिक मंत्र का पूरा इस्तेमाल किए कि चंद्रयान पे कैसे गए और भारत पहला देश जो साउथ पोल लूनार में जाने वाला न जापान न रशिया यूपी में सबका यूपी जेल में मुख्तार बा करोना गई हार बा जेल में मुख्तार बा करोना गई हार भैया हो मोदी योगी मेल बा राशन ढेर बा हो जे कबो न रहल तू अब्बा यूपी में सप्पा बस यह याद रखिए कि राम राज्य 500 साल भैया धीरे से हल्का में 500 साल लड़ाई चलत रहे तार बस 500 साल लड़ाई रहे प्रभु राम के और 500 साल बाद राम राज्य देखा प्रभु राम का मंदिर बना था
रिंग रोड बनाता आई महाराजगंज देखा कितना सुंदर हो गई। हमारे माननीय सांसद जी मंत्री जी जो काम करना भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं हो सकता। गरीबों की एक पार्टी पूरे दुनिया में जे जानता उबाटे भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है 2024 में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा जीती हैं और ये भारत एक सुपर पावर बनी जगह कहा जाला विश्व गुरु जे कबोनारा। भैया हो अब यहां से हो ही हल्के में चला बाबा विश्वनाथ दयालु भैया बाड़न और जैसे कि मेरे छोटे भाई और हम दोनों महादेव के भक्त हैं और गोरक्षनाथ बाबा शिव अवतारी पूज्य महाराज जी भी वह अवतार बाड़न। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी शिव भक्त हैं तो शुरुआत उनसे कह जाओ कि भैया हो मान पूर्णा भैरो बाबा। पिछली बार जब मैं आया था तो भैया उद्घाटन करके चले गए थे, मैं भैया का आशीर्वाद नहीं ले पाया था पर इस बार सौभाग्य है कि भैया के साथ ही आने का मौका मिला। तो आज सच में ये जो महाराजगंज महोत्सव है ये यादगार होने वाला है। आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हमारे बड़े भैया माननीय मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने हर साल इस महोत्सव को सजाने में कोई कमी नहीं किया। पिछली बार भी मैं जब देख के गया था तो मैंने भैया से यही कहा था कि भैया महोत्सव तो हम बहुत देखते हैं लेकिन जो महाराजगंज का महोत्सव है उसका कोई जोड़ नहीं है। और मैंने इनसे निवेदन किया था कि भैया ऐसा ना महोत्सव हमारे आजमगढ़ में करवा दा और इन्होंने करवा दिया। हमारे आजमगढ़ में भी इन्होंने ऐसा ही महोत्सव करवा दिया। इसके लिए भी मैं का हो और हूँ क्या करैया तो भैया गपचुपा गपचुप खेला हो गई अब के मालूम नहीं। अच्छा कैला बता दे बाबू हम जाना नवंबर में हमारे गोरखपुर का महोत्सव महोत्सव अब तो पंकज भैया और आप अब भोग चढ़ी नहीं भोग चढ़ी और बड़ भैया हम जाने थे कि महोत्सव तो आ रोके वाला यही से हम पहले बता देने कि हमारे यहाँ भी ऐसा भव्य महोत्सव आजमगढ़ महोत्सव हमारे बड़के भैया पंकज चौधरी जी के आशीर्वाद से भयल अभी संपन्न भयल। तो आज मंच पे हमारे बड़े भैया हैं रवि किशन जी हैं तो आज थोड़ा मन हो रहा है क्योंकि इनको देख के लगता है कि साक्षात महादेव सामने खड़े हैं तो अध्यात्म अपने आप अंदर से जगने लगता है। दो लाइन में शुरुआत करता हूं फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। और जितने भी दयालु भैया के जय हो हरार महादेव। हम आपकी मंत्री जी अपन दो शब्द हाँ दो शब्द आप आशीर्वाद स्वरूप कह दें। मैं आ रहा था तो रास्ते में जिस तरीके से भीड़ आ रही थी मेरे लिए बड़ा, मैं जिले का प्रभारी हूँ तो मैं हतप्रभ था कि इतना रेला कहाँ जा रहा है। तो वो रेला आप दोनों भाइयों के लिए था तो आप सबका इस धरती पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से चलकर आपके बीच में भगवान गौतम बुद्ध की स्थली पर आपके बीच आया हूँ। मैं इस परिसर में घुस रहा था तो हर हर महादेव तो एक बार चाहता हूँ कि जोरदार हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। आप सभी का इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी का दोनों भाइयों का दोनों सांसद हैं एक गोरखपुर से और एक अपने आजमगढ़ से दोनों जिले हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जिला है हमारे पंकज चौधरी जी का यह जिला है तो हम सब आज आप दोनों का इस धरती पर स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं वंदन करते हैं और बधाई देते हैं कि आप सब बार बार इस कार्यक्रम में आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार धन्यवाद हमारे मंत्री जी खातिर एक गड़गड़ा के ताली भैया हो और पंकज भैया खातिर हमारे विधायक गण खातिर और जितने ब्लॉक प्रमुख पार्षद गण सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हैं सब लोगों के लिए एक जोरदार ताली। और
हम यो चाह कि मंच पे